कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का सहिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वीर नंतराम नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पैदल यात्रा करते हुए बहुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उनका क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा फूल वर्ष कर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हनोल स्थित महासु धाम को पांचवा धाम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वही कैबिनेट मंत्री ने कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर स्थित स्लाइड जोन जजरेट का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लेनीवी साहिया अधिकारियों को शीघ्र पुल या वैकल्पिक मार्ग के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मीडिया के माध्यम से, आपके लेखनी के माध्यम से मीडिया चौथा स्तंभ है, आपके द्वारा सतपाल महाराज जी को अवगत कराया गया कि जजरेन में हमारा बहुत कठिन जोन बना हुआ है, उसको सफल बनाने के लिए सतपाल महाराज जी आज निर्देश दिए पीडब्ल्यूडी को कि जजरेन के पास कोई ऐसा विकल्प हो जो समय समय पर बहुत अच्छी रोड बने, क्योंकि समय समय पर वहाँ पे जो नुकसान होता है, आप मीडिया के लोग भी देखते हैं, कहीं दुर्घटना हो गई है, कई लोग वहाँ पे मर चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने जो अपने अधिकारियों को निर्देशित किया उसका पालन करेंगे और जजेड में जरूर अवश्य पुल या नए रोड का निर्माण होगा। देवयानी जो पर्व मनाया जा रहा है, इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है और उस पर्व में सम्मिलित होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का, और महाशु का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। और इसके अंदर जो है अंतर्गत बौठा हनोल बासिक, इसके अंदर महेंद्रथ और पवासी ठडियार, ये सब मंदिर शामिल होंगे। इनका पूरा परिसर का डेवलपमेंट होगा ताकि वहाँ अधिक से अधिक यात्री जो है विश्राम कर सकें और देवता के सानिध्य में रात्रि विश्राम भी कर सकें और वहाँ पर सब सुरक्षित रहें, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है।